बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक रिज़वी और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी सच्ची कहानियाँ। मेरी तमाम दोस्तों से यह गुजारिश है कि मौसम गर्मा आ चुका है और तकरीबन आधा गुज़र चुका है, तो काइंडली अपनी छतों पे दाना और पानी परिंदों के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि ये सवाब का काम है। और परिंदों को अगर आप दाना डालते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात पता नहीं आपसे कितनी खुश होगी। तो आपके भाई ने तो छत के ऊपर इंतज़ाम किया हुआ है इन परिंदों के लिए। मैं डेली बेस पे अपने इन जानवरों को, चिड़ियों को, कौवों को, सबको, ये दावते आम है, इनको मैं डेली बेस पे दाना डालता हूँ। तो उसकी वजह यह है कि ये हम एज ए इंसानियत के तौर पर इनका भी एहसास करें, क्योंकि गर्मी में प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर इनकी हम प्यास बुझाएंगे तो हो सकता है मालिक कायनात रोज़े क़यामत जब सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा तो वो मालिक कायनात हो सकता है अपने अर्श के साए तले हमें भी जगह दे दे और हमारी भी वो प्यास बुझा दे। तो नाज़रीनो सामीन, आप देख रहे हैं कि ये मैंने इनके चिड़ियों के लिए इंतज़ाम किया हुआ पानी का। तो उसकी वजह ये कि एज़ ए इंसान के तौर पे हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने सुना भी होगा कि एक बहुत बदकार औरत थी, तो वो बहुत गुनाह किया करती थी, लेकिन उसने क्या किया कि एक प्यासे को, उसने कुत्ते को पानी पिलाया अपने जूते के साथ, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उसको बख्श दिया। तो मेरी ये तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गर्मी के इस मौसम में परिंदों को काइंडली पानी ज़्यादा से ज़्यादा रखें और दाना डालें, क्योंकि रिज़क जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात उतना आपको ज़्यादा दे देगी जितना आप दूसरों को रिज़क आगे बांटते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का।